कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से हर कोई परेशान है, सभी को मदद की दरकार है। किसी के घर राशन नहीं है तो किसी को अस्पताल जाना है, किसी को दवाई नहीं मिल रही। ऐसे में आगे आते हैं कोरोना वॉरियर्स, जो इस कठिन समय में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते हैं और लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाते हैं। कसरावत के महावीर कॉलोनी में रहने वाले आयकर सलाहकार शरद केसरे के यहाँ एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है। केसरे परिवार इस खुशी के लम्हे के लिए बेकरार था। घर आई इस नन्ही लक्ष्मी को लेकर परिवार बहुत खुश है। शरद केसरे ने बताया कि पिछली दो बार हमारे यहाँ डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था, इसलिए इस बार हमने विशेष सावधानियाँ रखी, बराबर डॉक्टर का परामर्श लेते रहे। मुझे ध्यान आया कि मेरे मित्र अखिल खान पैरालीगल वॉलंटियर है, मैंने उन्हें सलाह मांगी कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। उन्होंने ऐसे समय में मुझे ई पास के बारे में बताया, उससे बनवा कर मेरे लिए मदद के साथ ही कसरावत SDM नेहा शिवहरे और नायब तहसीलदार नरेंद्र मोवेल ने भी पास बनाने में तत्काल मदद की, जिससे मैं समय पर अस्पताल पहुंच गया और मेरे यहां सुरक्षित डिलीवरी हो गई। लॉकडाउन की वजह से परिवार में सीमित सदस्य यहां मौजूद है, यदि लॉकडाउन नहीं होता तो ये खुशियाँ और दुगनी हो जाती। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। परिवार बेटी के जन्म पर बहुत खुश है, लेकिन एक समय वो भी था जब हम बहुत सजग रहे, क्योंकि वाइफ का प्रेगनेंसी पीरियड बहुत क्रिटिकल था और ऐसे समय कोरोना पूरे देश में तेज़ी से फैल गया। इसी के साथ सभी OPD, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी सेंटर सब बंद हो गए। इलाज के लिए दूसरे शहर जाने के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया, जिनकी स्वीकृति मिलना बहुत कठिन था। और ऐसी स्थिति में मेरे मित्र अखिल खान ने पैरा लीगल वॉलंटियर के रूप में हमारी काफ़ी मदद की। उन्होंने SDM मैडम और नायब तहसीलदार के सर की मदद से समय समय पर पास उपलब्ध करवाए। विपत्ति के इस दौर में ऐसी संस्थाएँ हमारी मदद को सामने आती हैं। मैं कसरावत प्रशासन और पैरा लीगल टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसकी सहायता से आज हमारी बेटी हमारे हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।